देश में लोकसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ऐसे में राजनीतिक दल भी अपनी कमर कस चुके हैं। इसी बीच सूत्रों के हवाले से खबर है कि महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और दोनों डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार के बीच एक बड़ी बैठक हुई है। बैठक में लोकसभा चुनाव की तैयारी, लोकसभा सीटों के बंटवारे के मुद्दे पर मंथन हुआ है। बैठक में मराठा आरक्षण पर भी चर्चा की गई है। इसी के साथ राम मंदिर उत्सव और पीएम मोदी के महाराष्ट्र दौरे पर भी चर्चा की गई। इस बार लोकसभा चुनाव सीएम एकनाथ शिंदे और उनकी पार्टी के लिए अहम होगा। सत्ता में काबिज होने के बाद सीएम शिंदे का ये पहला लोकसभा चुनाव होगा। 2019 के लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र की कुल 48 सीटों में बीजेपी को 23, कांग्रेस को 1, एनसीपी को 4 और शिवसेना को 18 सीटें मिली थी। पहले शिवसेना, फिर एनसीपी के टूट के बाद ये देखना दिलचस्प होगा कि एनडीए गठबंधन में सीएम शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार गुट एनसीपी को कितनी लोकसभा सीटें मिलती है।